हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन गौरव में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, इसके अलावा प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, इन दोनों टॉपिकों को एक साथ मिलाकर करेंगे, ठीक है। और आपने देखा होगा, जीवन कौशल हो, शिक्षण कौशल हो या सुपर टेट हो, इसमें ये टॉपिक दोनों ही आते हैं। तो मैंने दोनों को जोड़ दिया क्योंकि लगभग तकरीबन दोनों एक जैसे हैं, ठीक है ना। तो प्रारंभिक भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, इन दोनों को एक साथ बताते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, जो हमेशा कहते हैं वही एक बार फिर से कहेंगे, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, कमेंट्स अवश्य करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। देखिए, हम लोग जानते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा में हम लोग सबसे पहले वैदिक शिक्षा की बात करेंगे। तो आप जानते हैं वैदिक शिक्षा गुरुकुल में होती थी, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी और वैदिक शिक्षा शिक्षक केंद्रित होती थी, अर्थात वहां पे टीचर या शिक्षक या गुरु महत्वपूर्ण था, बच्चे नहीं। तो जो हमारी वैदिक शिक्षा थी, जो उपनयन संस्कार से शुरू होती थी, वहां पर शिक्षक केंद्रित होती थी और उसका उद्देश्य था मोक्ष की प्राप्ति करना। इसी तरह आपने देखा होगा बौद्ध धर्म है, तो बौद्ध धर्म की शिक्षा का उद्देश्य क्या है, वहां की शिक्षा का उद्देश्य निर्वाण प्राप्त करना। निर्वाण भी एक तरह का मोक्ष हो गया, है ना। और जब मुस्लिम धर्म में बात करेंगे तो उनकी जो शिक्षा थी, जो मदरसे और मकतब में दी जाती थी, उसका भी उद्देश्य क्या था, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, ठीक है ना। तो ये प्रारंभिक शिक्षा की बात करते हैं। तो देखिए, फैक्ट की बात करते हैं, एक से लेकर हम 30 पॉइंट तक बताएंगे। तो पहला फैक्ट देखिएगा, नंबर एक क्या है, नंबर एक में है 1781। नंबर एक पे क्या है, 1781। इसमें कलकत्ता में जो उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल थे भारत के, वॉरेन हेस्टिंग, स्क्रीन पे नाम आ गया है आपका, वॉरेन हेस्टिंग। तो जो वॉरेन हेस्टिंग थे, इन्होंने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की 1781 में, वॉरेन हेस्टिंग में। नंबर दो पे क्या है, नंबर दो पे है 1791। 10 साल बाद क्या हुआ, 10 साल बाद क्या हुआ कि बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई। और ये कॉलेज की स्थापना किसने की, जोनाथन डंकन ने। तो देखिए, 1781 में कलकत्ता मदरसे की स्थापना हुई वॉरेन हेस्टिंग ने, और 1791 में क्या हुआ, जोनाथन डंकन, इन्होंने बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। क्रम से देखिएगा, ठीक है। इसके 9 साल बाद क्या हुआ, सन 1800 में लॉर्ड विलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। लॉर्ड विलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, कहां पर, कलकत्ता में। तो समझिएगा, पहला सरकारी मदरसा कलकत्ता में बना है 1781, और फोर्ट विलियम कॉलेज भी कलकत्ता में ही है, लॉर्ड विलेजली। हमने तीनों के नाम बता दिए हैं कि किस सन में किसकी स्थापना हुई और किसने उसकी स्थापना की, है ना। सबसे पहला वाला वॉरेन हेस्टिंग ने की थी, जोनाथन डंकन ने जो की है बनारस संस्कृत कॉलेज की है, और फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की स्थापना लॉर्ड विलेजली ने की है। आप लोग टीटी वाले हो, इतना समझदार तो हो ही हो, ये मत कहिएगा सर कोलकाता क्यों नहीं कह रहे हैं, है ना। कोलकाता तो आज है, उस समय तो कलकत्ता ही था। और समझिएगा, भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक माना जाता है चार्ल्स ग्रांट को। भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक माना जाता है चार्ल्स ग्रांट को। कई लोग यहां पे लॉर्ड मैकाले समझ लेते हैं, लेकिन भाई लॉर्ड मैकाले आधुनिक शिक्षा का नहीं है ना, उसके विषय में आगे बताते हैं, ठीक है ना। वो आधुनिक शिक्षा के नहीं, अंग्रेजी शिक्षा के थे। चलिए, तो अगला नंबर लॉर्ड मैकाले का ही। तो नंबर पांच में आ रहा है, अब यहां से थोड़ा पॉइंट वाइज कुछ और चीजें बताएंगे। लॉर्ड मैकाले जो है, लॉर्ड मैकाले 10 जून 1834 को भारत आते हैं, और इन्हें 10 जून 1834 में जो बंगाल की लोक लेखा समिति है उसका अध्यक्ष बना दिया जाता है। और ये अपनी घोषणा, अपनी जो थ्योरी थी, या ये समझ लीजिए कि अपना जो इनका आयोग था, इन्होंने जो भी रिसर्च किया उसके आधार पे इन्होंने कुछ अधिकार पत्र छापे और भारत में शिक्षा के लिए कुछ नई संभावनाएं तलाशी। 2 फरवरी 1835 को इन्होंने अपना घोषणा पत्र जो है भारत के सामने रखा, 2 फरवरी 1835 को।
क्या था भैया समझिएगा, इसीलिए इन्हें भारतीय शिक्षा का अग्रदूत कहा जाता है और इन्हें अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता भी कहा जाता है। भारतीय शिक्षा के अग्रदूत आ जाए या अंग्रेजी शिक्षा के जन्मदाता आ जाए, या कहा जाए कौन अंग्रेजी शिक्षा का प्रबल समर्थक था, तो ये कौन है भैया, लॉर्ड मैकाले। सिद्धांत क्या था इनका, सिद्धांत था फिल्ट्रेशन थ्योरी या निस्यंदन सिद्धांत, या इसी को छनाई का सिद्धांत कह सकते हैं। छनाई का सिद्धांत या फिल्ट्रेशन थ्योरी या निस्यंदन थ्योरी क्या थी, इसमें इन्होंने कहा था कि समाज के उच्च वर्गों को दी गई शिक्षा कालांतर में निम्न वर्ग तक पहुंच जाएगी। यानी आप उच्च वर्ग को शिक्षित कर लीजिए, धीमे धीमे वो लोग अपने आप निम्न वर्ग के लोगों को शिक्षा के लिए प्रयास करने लगेंगे। अर्थात एक साधे सब सदे, हिंदी पढ़ाओगे ना, वही कंडीशन थी। ठीक है, इनके दो बड़े कथन फेमस हुए। पहला कथन था, हमें भारत में एक ऐसा वर्ग बनाना चाहिए जो रक्त और वर्ण यानी कलर में और ब्लड में भारतीय हो, लेकिन रुचि नैतिक आदर्श और बुद्धि में अंग्रेज हो। अर्थात ये अंग्रेजी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। ये चाहते थे कि हर व्यक्ति या भारत में जो उच्च वर्ग है, पढ़ा लिखा वर्ग है, वो ये वैदिक कालीन या धार्मिक शिक्षा की बजाय अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करे। अंग्रेजी शिक्षा क्यों ग्रहण करे, ताकि इन्हें, भाई सीधी सी बात है, जो अंग्रेज आए थे यहाँ व्यापार करने आए थे भारत में, धीमे धीमे उन्होंने व्यापार करने के बजाय उस पर कब्जा कर लिया। फिर इनको लगा कि भाई अंग्रेज जो ये भारतीय है वो तो कम पढ़े लिखे हैं, वो तो हिंदी फारसी या संस्कृत बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं। अब इनको तो अंग्रेजी समझ में नहीं आती, इनके साथ व्यापार करना है, इन पे राज करना है, तो इनको अपने जैसा बनाना पड़ेगा, या कम से कम इतना तो हो ही जाए कि अंग्रेजी बोल सके या समझ सके। भाई काम तो हमें भारतीयों से ही लेना है। तब इन्होंने कहा कि अंग्रेजी शिक्षा होनी चाहिए। तब इन्होंने कहा कि हम ऐसे आदमी हम लोग तैयार करें जो भले ही रंग से, भले ही ब्लड से भारतीय हों, लेकिन उनके इंटरेस्ट यानी रुचि या नैतिक आदर्श बुद्धि अंग्रेजों जैसे हों, अर्थात वो हमारे जैसे हों, ताकि उन्हें हम आसानी से गुलाम बना लें। यानी भारतीय संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया गया। भारतीयों के बीच में अमीर गरीब या पढ़े लिखे और कम पढ़े लिखे का बीज बोया गया, ताकि हम लोगों के बीच में फूट पड़ जाए, और जो हमारी प्राचीन संस्कृति, प्राचीन मान्यताएं, प्राचीन ग्रंथ या धार्मिक चीजें थी, इनको नेग्लेक्ट करने का प्रयास किया गया, कि इनकी जो लोकप्रियता है उसको कम करके मेन अंग्रेजी शिक्षा को रख दिया जाए, और ये मान लिया जाए कि जिसको अंग्रेजी नहीं आती होगी वो बिल्कुल बेकार आदमी होगा। तो एक कथन तो इनका ये बड़ा फेमस हुआ। एक कथन और था, इन्होंने कहा था कि एक अच्छे यूरोपियन पुस्तकालय की अलमारी का साहित्य भारत व अरब के संपूर्ण साहित्य के समान है। यानी इनका कहना था इंडिया में जितना भी ग्रंथ है, चाहे वो वेद हो, पुराण हो, महाभारत हो, रामायण हो, गीता हो, इन सबको मिला लो, और अरब का जितना साहित्य है उन सबको मिला लो, वो सब यूरोपियन साहित्य के बराबर है। यानी एक तरह से इन्होंने भारत और अरब के साहित्य की तौहीन की है। मतलब ये कहना चाहते थे कि यूरोपियन जो साहित्य है ना, वो इंडिया और अरब दोनों को मिला के बराबर है, है ना। यानी यूरोपियन जो साहित्य है, वहां की जो किताबें हैं, वहां के जो राइटर्स हैं, वो ज्यादा सुपीरियर हैं भारत के लोगों से, ऐसा इनका मानना था। ठीक है भाई, तो ये लॉर्ड मैकाले का हो गया। अब आते हम लोग अगले पॉइंट में। अब बात करेंगे हम लोग चार्ल्स वुड डिस्पैच की। चार्ल्स वुड डिस्पैच, ये भैया 19 जुलाई 1854 को आया। 19 जुलाई 1854 को चार्ल्स वुड डिस्पैच की घोषणा हुई। इसमें भारतीय शिक्षा पे पहली बार किसी ने भारतीय शिक्षा प्रणाली पे विस्तृत चर्चा करी, पहली बार। इसीलिए इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा या भारतीय शिक्षा का महाअधिकार पत्र कहा जाता है। भारतीय शिक्षा पे बड़ी विस्तृत चर्चा करी थी। यहाँ पे इन्होंने धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की बात करी, यहाँ पे इन्होंने महिला शिक्षा की बात करी, प्राथमिक विद्यालय में जो अध्यापक पढ़ाते हैं उन अध्यापकों की ट्रेनिंग की बात की, प्राथमिक विद्यालय को खोलने की बात की, ये सारी बातें इन्होंने करी हैं। और लंदन के मॉडल पर, देखिए इसी वुड डिस्पैच के आधार पर क्या हुआ, लंदन मॉडल में, जैसे लंदन में बड़े बड़े कॉलेज हैं, उन्हीं के आधार पर बंबई, कलकत्ता और मद्रास में यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय खोलने का घोषणा हुई, और खोले भी गए। लंदन मॉडल पे मुंबई, मुंबई नहीं सॉरी बंबई, मुंबई तो अब है, बंबई,
कलकत्ता जो कि आज कोलकाता है, मद्रास जो कि आज चेन्नई है, इसमें विश्वविद्यालय खोलने की बात की। ध्यान रखना इसमें दिल्ली नहीं है। और पहली बार प्राथमिक विद्यालय में आर्थिक सहायता हेतु अनुदान की बात करी। प्राथमिक विद्यालय में आर्थिक सहायता हेतु अनुदान की बात की जो आज तक चल रहा है। आज भी अपने आप प्राथमिक या उच्च प्राथमिक या माध्यमिक विद्यालय में अनुदान होता है। अनुदान मतलब सरकारी ग्रांट, सरकारी सहायता देना। यह पहली बार वुड डिस्पैच से ही हुआ था। ठीक है, तो चलिए वुड डिस्पैच के बाद आते हैं हम लोग अगले नंबर पे, नंबर 7 में आते हैं, या जो भी नंबर हो भाई याद नहीं हमको। हंटर कमीशन, हंटर कमीशन, ये भैया हंटर कमीशन के अध्यक्ष थे विलियम हंटर, विलियम हंटर, और ये आया है 1882 में। प्राथमिक शिक्षा के विकास और सार्वभौमिकरण हेतु इस पर बात की गई। प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए ठीक बात है। सार्वभौमिकरण क्या है? तो भाई सार्वभौमिकरण अभी हम नहीं बता रहे हैं, क्योंकि मेरा इसी में आप एक वीडियो देखेंगे आने वाला है, तो उसमें सार्वभौमिकरण अवधान या व्यवधान, अवरोधन, व्यापन, ऐसे जो शब्द हैं इन पर विस्तृत चर्चा मैंने की है, तो उसमें बता देंगे। ठीक है, तो हंटर आयोग भैया कब आया? 1882 में विलियम हंटर, प्राथमिक शिक्षा और सार्वभौमिकरण के लिए उन्होंने बात की थी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, ये हम लोग जितने भी नंबर आ गए हैं उसके बाद हम लोग अगले उसकी बात करते हैं। अगले नंबर पे आता है राधा कृष्ण आयोग। राधा कृष्ण आयोग, इसी को विश्वविद्यालय आयोग बोलते हैं, यूनिवर्सिटी आयोग बोलते हैं। ये 1948-49 में आया था, 1948-49 में। आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये स्वतंत्र भारत का पहला आयोग था। अब रीजन क्या है? रीजन तो आप जान गए होंगे, 1947 में भारत आजाद हो गया, तो भारत आजाद होने के बाद पहला आयोग क्या बना था? विश्वविद्यालय आयोग बना था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? राधा कृष्ण जी। तो राधा कृष्ण आयोग 1948-49 की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब अगले की बात करते हैं। अगला नंबर जो भी है, मिका से 9 नंबर होगा। ठीक है, तो उसमें देखते हैं 9 नंबर में क्या है। यूएनओ ने मानव अधिकारों की सार्वजनिक घोषणा में 10 दिसंबर 1950 को, ध्यान दीजिएगा, मानव अधिकारों की सार्वजनिक घोषणा में 10 दिसंबर 1950 को सभी देशों को याद दिलाया कि प्रत्येक बालक और बालिका को शिक्षा का अधिकार या शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, चाहे जो भी बालक हो चाहे जो भी बालिका हो, और शिक्षा को प्रारंभिक स्तर पर निःशुल्क होना चाहिए। यानी उन्होंने याद दिलाया कि शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक बालक और बालिका का अधिकार है, और शिक्षा को कम से कम प्राथमिक स्तर तक, जो प्राइमरी लेवल है, क्लास 4-5 तक है, कम से कम तब तक तो निःशुल्क होना ही चाहिए। इसी लिए डेट देखिए, इसमें क्या लिखी, डेट लिखी 10 दिसंबर 1950 को। इसीलिए 10 दिसंबर से, चूंकि यहां अधिकारों की बात की, इसीलिए 10 दिसंबर को माना जाता है विश्व मानवाधिकार दिवस। और इसी से प्रेरणा लेकर, इसी से प्रेरणा लेकर यूएनओ ने 20 नवंबर 1989 को बाल अधिकारों की घोषणा करी। यानी यहां पे चाइल्ड राइट की इन्होंने बात करी। कब? 20 नवंबर 1989 को। और इस घोषणा में जो जो सिफारिशें की गई, भारत सरकार ने उन सभी सिफारिशों को 11 दिसंबर 1992 को अपना लिया। 11 दिसंबर 1992 को इन घोषणाओं को अपना लिया गया। ठीक है भाई, तो चलिए फिर से आते हैं। तो 9 नंबर हो गया हमारा, मानवाधिकार की बात हुई। अब आगे बात करते हैं नंबर 10 की, देखते हैं नंबर 10 में क्या है। नंबर 10 में है मुदलियर कमीशन। मुदलियर कमीशन, मुदलियर कमीशन को ही माध्यमिक शिक्षा आयोग कहते हैं। अब आप समझिएगा, अभी आपने राधा कृष्ण आयोग पढ़ा, वो क्या था? वो था विश्वविद्यालय आयोग, और ये क्या है? माध्यमिक शिक्षा आयोग। ये जो मुदलियर कमीशन है, ये 1952-53 में था। यहां पे कहा गया भैया बहुउद्देशी स्कूल खोलने का सुझाव दिया गया। बहुउद्देशी स्कूल का मतलब, स्कूल का उद्देश्य केवल शिक्षा नहीं होना चाहिए। बहुउद्देशी स्कूल का मतलब ऐसा स्कूल जहां बच्चे शिक्षा के साथ साथ नैतिक,
सामाजिक है ना, आर्थिक या इस तरह के विकास से भी संबंधित रखें, खेलों की भी शिक्षा लें, योग की भी लें। हालांकि योग की बात हम, योग तो आजकल चला है, लेकिन फिर भी योग का मतलब सांस्कृतिक गतिविधियां हो सकती हैं, है ना, या और भी धार्मिक गतिविधियां। मतलब विद्यालय में केवल पढ़ाई ही ना हो बल्कि उनको नैतिक शिक्षा भी दी जाए, ऐसा मानना था। ठीक है, चलिए अगला आते हैं। अगला है 11 नंबर, UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, स्थापना हुई 1956 में। जो बहुत महत्वपूर्ण चीजें होंगी, जैसे अभी आएगा कोठारी आयोग या आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उन पर विस्तृत चर्चा करेंगे, बाकी को मैं इसे बता दे रहे हैं। तो 1956 में UGC की स्थापना हुई। अगला है भैया दूरदर्शन, दूरदर्शन की स्थापना हुई 1959 में, 15 सितंबर 1959 को। इम्पोर्टेंट है भाई दूरदर्शन की स्थापना, और इनका जो ज्ञान दर्शन चैनल अभी वो भी आएगा आगे, है ना। अब चूंकि हम सन के हिसाब से लिखा रहे हैं तो इसीलिए भी यहाँ नहीं आया है, तो अभी ज्ञान दर्शन चैनल आएगा तो भाई वो भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो वो क्रम में आ जाएगा। तो दूरदर्शन की स्थापना कब हुई, 15 सितंबर 1959 को। अब आते हैं भैया NCERT की स्थापना किसमें हुई, 1961 में। बाकी NCERT क्या होता है सबको मालूम होगा, है ना, कि ये जो आपका नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, तो और इस तरह की जितनी चीज़ें हैं, CBS KVS क्या है, CBSE क्या है, इन सबका आपको फुल फॉर्म मालूम होता है। नहीं मालूम होगा तो वैसे भी आपको बता दें, हमने करीब 22 ऐसी संस्थाएँ जो हमारे TET सुपर टेट से संबंधित हैं, जीवन कौशल से संबंधित हैं, उन सबके फुल फॉर्म का भी वीडियो बना रखा है। इसी मेरे वीडियो मतलब चैनल के व्यू में जाइएगा, वीडियोस में देखिए कहीं लिखा होगा फुल फॉर्म करके, आप देख लीजिएगा। हमने जितने भी हैं KVS या NUEPA या IGNOU इग्नू या BALA बाला NCERT सबका फुल फॉर्म वहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो चलिए NCERT की स्थापना कब हुई, 1961 में। अगला देखते हैं भैया CBSE, ये भी जानते हैं भैया सब लोग, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, है ना, तो फुल फॉर्म नहीं बताएंगे क्योंकि आगे वीडियो बना चुके हैं। तो CBSE की स्थापना कब हुई भैया, 1962 में हुई। अगला देखते हैं NUEPA, ठीक है, न्यूपा, इसकी स्थापना भी कब हुई, 1962 में होती है। चलिए आगे देखते हैं KVS केंद्रीय विद्यालय जो है उसकी स्थापना होती है 1963 में। 1963 में स्थापना होती है किसकी भैया, केंद्रीय विद्यालय की। चलिए अब आगे देखते हैं, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है, 1963 हो चुका है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है भारतीय शिक्षा आयोग। भारतीय शिक्षा आयोग यानी क्या, कोठारी आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट भाई, कोठारी आयोग। 1964 में इसकी स्थापना हुई। इस आयोग का कार्यकाल 1964 से लेकर 66 तक रहा। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में इसकी स्थापना हुई थी। प्रोफेसर DS कोठारी, जिनकी फोटो आपके सामने है, ये जो फोटो देख रहे हैं ये प्रोफेसर DS कोठारी जी की है। और आप समझिएगा, देश आज़ाद होने के बाद पंडित नेहरू, देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे, इन्होंने क्या किया, एक वैज्ञानिकों का एक समूह बनाया। आप ऐसे समझ लो, वैज्ञानिकों का एक समूह बनाया जिसमें बड़े बड़े वैज्ञानिक थे, आपने नाम सुना होगा, होमी जहांगीर बाबा, है ना, मेघनाथ साहा जी, बाद में CV रमन, नाम सुना होगा, जिनको नोबेल प्राइज मिला। इन्हीं के साथ DS कोठारी जी, जिनकी फोटो आप देख रहे हो, दौलत सिंह कोठारी जी, इन सबका एक ग्रुप बनाया था। ये सब भौतिक विज्ञानी है, कोई न्यूक्लियर साइंस वाला है, कोई भौतिक विज्ञानी, इन सबका ग्रुप बनाया। तो यही DS कोठारी है। तो इनसे कहा गया कि आप शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन के लिए कुछ सुझाव दीजिए। तो इसीलिए इस आयोग की, इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा थी कि इसका नाम ही रख दिया गया भारतीय शिक्षा आयोग, जबकि है ये DS कोठारी जी का हमारा कोठारी आयोग, ठीक है ना। बाद में इसीलिए इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया, देख लीजिए वो फोटो में लिखा हुआ, ठीक है। तो क्या हुआ भैया, इसमें नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ, इसमें प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च तीनों शिक्षा की बात की गई। और इसमें यह भी याद रखना है कि प्राथमिक शिक्षा में ही उन्होंने प्रौढ़ शिक्षा को भी रखा, प्रौढ़ शिक्षा। और याद रखिएगा, प्रौढ़ शिक्षा की उम्र होती है 15 साल से लेकर 35 साल तक, एज में कन्फ्यूज ना होइएगा। प्रौढ़ शिक्षा में
15 से लेकर 35 साल तक है। यानी शिक्षा को देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा तीन भागों में होना चाहिए, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च। और अगर तीन की जगह ऑप्शन में चार आ जाए तो आप ये भी कह सकते हो प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च एवं प्रौढ़। लेकिन ईमानदारी से नियम तो यह है कि प्रौढ़ शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत ही रखा जाता है, ठीक है ना। तो मतलब कहने का तीन है, लेकिन कोई कह दे नहीं प्रौढ़ भी शामिल है, चार है, तो आप वो भी मान सकते हो, ठीक है। पहली बार इसी आयोग ने 10+2+3 का प्रस्ताव दिया था, जो आज तक आपने देखा है 2020 तक देखा होगा। 10 यानी हाई स्कूल, प्लस टू का मतलब भैया इंटर, प्लस थ्री का मतलब ग्रेजुएशन, बीकॉम या बीए या बीएससी। तो ये पहली बार प्रस्ताव रखा गया, ये इसी में रखा गया है, ठीक है भैया। ये पहली बार प्रस्ताव रखा गया तो इन्हीं के माध्यम से रखा गया, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण था कोठारी आयोग, ठीक है भैया। कोठारी आयोग की बात करते हैं कि बात करते हैं, ये 1964 था। अब बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। हमारे यहाँ तीन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हुई है, एक 1968 में हुई है, एक 1986 में हुई है और एक हुई है 2020 में। हालांकि ये एक अलग की बात है कि 1986 वाली जो है, 86 वाली, उसमें संशोधन हुआ, 1992 भी बना है ना, लेकिन रियल में जो शिक्षा नीति वो तीन है। तो सबसे पहली जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी मिली वो कब मिली भैया, 1968 में। और इन्होंने कोठारी आयोग की जो सिफारिश थी 10+2+3 इसको मान लिया, अर्थात जो 10+2+3 है इसकी, इसको एक शिक्षा संरचना घोषित किया। किसने भैया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने, कोठारी आयोग ने तो केवल सिफारिश की थी कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन मान्यता दी, लागू कराया किसने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने, ठीक है भैया, यानी 1968 में। चलिए आगे आते हैं, अब बात आते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है इग्नू, IGNOU, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। और इसकी स्थापना कब हुई, 1985 को। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, डेट बोले दे रहे हैं 20 सितंबर है, डेट कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, 1985, ठीक है भैया, 1985 की बात की गई। चलिए आगे आते हैं, अब फिर इंपॉर्टेंट आ गया भैया, 1985 हो गया, अब बात करेंगे 1986 की इंपॉर्टेंट। अभी आपने कुछ देर पहले हमने बताया था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति तीन है, एक 1968 में, एक 1986 और 2020। तो अगली शिक्षा नीति की बात हो रही है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की बात है, समझिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो 10+2+3 था जिसको शिक्षा संरचना घोषित किया जा चुका है, इसी 10+2+3 को इन्होंने कहा एक राष्ट्रव्यापी शिक्षा संरचना की सिफारिश की गई। इन्होंने कहा गया इसका और प्रचार प्रसार होना चाहिए, यानी देखो समझिएगा, 10+2+3 का प्रस्ताव दिया कोठारी आयोग ने, शिक्षा संरचना घोषित किया 1968 में, और 1986 में क्या हो रहा है, 1986 में इसी शिक्षा को एक राष्ट्रव्यापी शिक्षा संरचना की सिफारिश की जा रही है। आगे देखिएगा, इसी शिक्षा में और क्या हुआ, इसमें व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने की बात की गई और कहा गया व्यावसायिक शिक्षा को 12 खंडों में विभाजित कर दो। और पहली बार एक थीम बनाई गई, थीम क्या थी, सभी के लिए शिक्षा। तो अगर कभी ऐसे आ जाए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की थीम क्या थी, तो याद क्या रखना है आपको, सभी के लिए शिक्षा। जैसे आपने पढ़ा होगा कई जगह लिखा होता है सब पढ़े सब बढ़े, है ना, ये कहाँ की है, सबका अलग अलग है ना। तो ये जो मैंने शब्द बोला क्या, सभी के लिए शिक्षा, ये यहीं की थीम है। और बहुत इंपॉर्टेंट, आपने खूब सुना होगा बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा। और हमने भी जब वीडियो स्टार्ट किया था तो हमने कहा था वैदिक कालीन शिक्षा थी शिक्षक केंद्रित, अब जो शिक्षा वो कैसी, बाल केंद्रित, यानी अब महत्वपूर्ण कौन है, बच्चा। तो बाल केंद्रित शिक्षा की सिफारिश भी या बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया गया 1986 में। तो सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान रखिएगा, ठीक है भैया। चलिए आगे आते हैं, अब बात कर रहे हैं हम लोग ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड,
ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड ओबीबी, जैसा कि हमने कहा एक फुल फॉर्म वाला वीडियो आएगा, उसमें आप देखिएगा ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड लिखा है हमने ओबीबी। तो ये ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड क्या था, ये 1987 में आया, 1987 में आया। और कैसे आया, जो अभी आपने कुछ देर पहले पढ़ा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी 1986 वाली, उसी के तहत इसमें बात की गई, इसी के तहत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना बनाई गई। इसमें गुणवत्ता आधारित प्राथमिक शिक्षा पे बल दिया गया, गुणवत्ता आधारित प्राथमिक शिक्षा पे बल दिया गया। प्राथमिक शिक्षा मतलब एक से लेकर पांच तक, और ये बात कर रहे हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना की। तो अगर मान लो ऐसे आ जाए कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस पंचवर्षीय योजना के तहत है, तो भैया क्या कहोगे, सातवीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है ना। और आप जानते हैं 1984 में हमारे देश की जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनकी हत्या हुई थी, ये 1987 की बात है, उनकी हत्या के तीन साल बाद, यानी उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे, राजीव गांधी जी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में, और क्या था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में, क्या था कि इसका कहने का मतलब क्या था, ये एक तरह से जो प्राथमिक विद्यालय हैं इनको कम से कम न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं देने की बात की, न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं। जैसे आजकल आपने देखा होगा इंग्लिश मीडियम जो स्कूल है, अच्छे स्कूल है, पब्लिक स्कूल है, वो क्या करते हैं, मैक्सिमम सुविधाएं देते हैं, एसी भी लगा देंगे, है ना, स्कूल बसें भी हैं, गार्डन भी बनाया हुआ है, खेल का मैदान भी है, साइंस लेबोरेटरी भी है, प्रोजेक्टर भी है, ऑनलाइन भी कर रहे हैं, इवन कई जगह तो अब खाना भी दिया जाता है, वहीं पे खाना भी दे देंगे, कापी किताबें भी स्कूल से ही मिल जाएंगी, मोजे और जूते, मतलब हर चीज, पढ़ाई छोड़कर हमें लग रहा है सारी चीजें स्कूल में मिलती होंगी, है ना। तो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जो देते हैं सुविधाएं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मैक्सिमम आवश्यक सुविधाएं। और इस योजना के तहत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में क्या कहा गया कि प्राथमिक विद्यालय को न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं दी जाएं, न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं यानी जिसके बगैर काम चल ही नहीं सकता है। जैसे इन्होंने कहा कम से कम दो शिक्षक हों, दो कमरे होने चाहिए, है ना, दो शौचालय हों, एक लड़कों के लिए एक लड़कियों के लिए। इसके अलावा इन्होंने कहा कि विज्ञान की किट, साइंस की किट होनी चाहिए, चेयर होनी चाहिए, ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, और शिक्षण सामग्री जो होती है, यही ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, ये सब चीजें भी होनी चाहिए। इतनी बात इन्होंने करी, ये राष्ट्रीय जो हमारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है इसकी बात कर रहे हैं। और याद करिएगा, अभी मैंने कुछ देर पहले कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति तीन बनी है, एक 1968 एक 1986, और 1986 वाली में ही संशोधन हुआ था 1992, ठीक। तो 1992 में जब संशोधन हुआ तो वहां पे ये जो दो शिक्षक दो कमरे की बात कर रहे हैं, इसकी जगह उन्होंने कह दिया कि तीन कमरे होने चाहिए और मिनिमम तीन शिक्षक होने चाहिए, ठीक है भैया। ऐसी बात इन्होंने की थी, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है भैया। चलिए अब आते हैं जनार्दन रेड्डी समिति, बहुत इंपॉर्टेंट। जनार्दन रेड्डी समिति आई थी 1992 में, और 1992 की इसमें इन्होंने क्या कहा, इन्होंने नवोदय विद्यालय प्रत्येक जनपद में खोलने का जो सिफारिश दी। तो ये क्वेश्चन आता है नवोदय विद्यालय प्रत्येक जनपद में खोलने का विचार किस उससे आया, तो आपको याद रखना भैया क्या, ये आया है 1992। ये पिछली बार सुपर टेट में क्वेश्चन भी का पूछा गया था नवोदय विद्यालय, तो 1992, ठीक है। प्रत्येक विद्यालय में, सॉरी, नवोदय विद्यालय जो है प्रत्येक जनपद में खोले जाएं। और आप जानते हैं नवोदय विद्यालय क्या होते हैं, आवासीय विद्यालय होते हैं, जहां पे आवास प्लस शिक्षा प्लस भोजन निशुल्क होता है। यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों की जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं उनके लिए ये होता है। हालांकि इसमें और भी सिफारिश हो गई कि कुछ दिनों बाद 20% बच्चों को दूसरे राज्यों में भेज दिया जाता है, वो इसीलिए भेजा जाता है ताकि बच्चे जो है अलग अलग प्रांतों में रह के अपनी क्षमता का और विकास कर सके। तो नवोदय विद्यालय आप सभी लोग जानते होंगे, है ना, क्या चीज है। तो और ये जो समिति है, इस समिति ने और सिफारिश क्या की कि आंगनबाड़ी शिक्षा को और मजबूत किया जाए। और इन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों जो भी हैं, केंद्र और राज्य सरकार, वो प्रौढ़ शिक्षा पर विशेष जो है जोर दे, प्रौढ़ शिक्षा पर विशेष जोर दे, यानी नवोदय विद्यालय, आंगनबाड़ी कार्यक्रम और प्रौढ़ शिक्षा पे जोर देना, ये तीनों मुख्य सिफारिश हैं किसकी भी, जनार्दन रेड्डी की।
जनार्दन रेड्डी समिति 1992 की ये तीनों मुख्य सिफारिश हैं। तो चलिए लगभग 20-21 हो गए हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है भैया प्रोफेसर यशपाल समिति, और प्रोफेसर यशपाल समिति जो है वो है 1992-93। और आपने बड़ा एक पॉइंट कई बार आपने पढ़ा होगा, शिक्षा बिना बोझ के, शिक्षा बिना बोझ के। तो ये प्रोफेसर यशपाल समिति ने ही सबसे पहले इसको बोला था, हालांकि अभी आपको आगे भी मिलेगा, एनसीएफ में भी मिलेगा, लेकिन सबसे पहले प्रोफेसर यशपाल समिति ने ही सिफारिश की थी शिक्षा बिना बोझ के। तो ये हो गया आपका शिक्षा बिना बोझ के, ठीक है। अगला देखिए, अगला है, अच्छा आगे एनसीएफ में जब बताएंगे इसके विषय में तो और बता देंगे, ठीक है। अगला है एनसीटीई, भैया इसकी स्थापना की गई, एनसीटीई की स्थापना की गई 1995 में। एनसीटीई की स्थापना कब हुई? 1995 में। आगे देखते हैं अगला, एमडीएम, मिड डे मील, एमडीएम जो मध्याह्न अपराह्न जो भोजन योजना है, इसकी शुरुआत हुई थी 1995 में और डेट थी 15 अगस्त, भारत की आजादी के दिन की बात है, स्वतंत्रता दिवस की बात है। तो 15 अगस्त 1995 को एमडीएम की शुरुआत की गई, मिड डे मील की शुरुआत की गई। दो प्रमुख उद्देश्य थे, एक तो बच्चों के अंदर पोषक तत्वों की कमी को पूरा करना और दूसरा क्या था, उनकी उपस्थिति को सुनिश्चित करना, क्योंकि देखा गया था कई बच्चे इंटरवल के बाद भाग जाते थे या घर चले जाते थे, फिर लौट के नहीं आ पाते थे, दूर घर होते थे, खाना खाने गए, कुछ आलस हो गया या कुछ काम पड़ गया, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे लौट के नहीं आए, तो कहा गया कि इनको यहीं पे खाना दो ताकि इनके अंदर आवश्यक जो पोषक तत्व हैं उनकी भी कमी ना हो और इन्हें आने जाने में जो समय बर्बाद होता है वो भी ना हो और साथ में इनका स्कूल में ठहराव सुनिश्चित हो सके। तो अगर आज मिड डे मील के उद्देश्य क्या थे, तो विद्यालय में बच्चों के ठहराव को सुनिश्चित करना, शरीर में पोषक तत्वों की कमी को भी पूरा करना, ये दो मुख्य कारण या जो मुख्य उद्देश्य थे वो हो सकते थे। अगला आ रहा है ज्ञान दर्शन चैनल, याद करिएगा आपको हमने 12वें पॉइंट में बताया था दूरदर्शन की स्थापना। तो भैया दूरदर्शन की स्थापना कब हुई थी? 15 सितंबर 1959। इसी तरह ज्ञान दर्शन चैनल बना, ये क्या है, ज्ञान दर्शन चैनल 26 जनवरी को बना है। देखिए मिड डे मील 15 अगस्त और ये क्या है 26 जनवरी, ये भारत सरकार का शिक्षा को देने वाला एक चैनल है। और अभी लॉकडाउन में 2020 और 21 में जो बच्चे थे उन्होंने बाकायदा एनसीईआरटी की जो पढ़ाई करी वो इसी चैनल के माध्यम से की है, ज्ञान दर्शन चैनल 26 जनवरी सन 2000। चलिए आगे आते हैं, अब बड़ा इंपॉर्टेंट सर्व शिक्षा अभियान, बड़ा इंपॉर्टेंट सर्व शिक्षा अभियान। ये सर्व शिक्षा अभियान क्या समझिएगा, सर्व शिक्षा अभियान सन 2000 में कैबिनेट से पास हुआ, मतलब कैबिनेट में गया, सन 2001 में ये पास हो गया, इसीलिए कहा जाता है सर्व शिक्षा अभियान सन 2000-2001। 2003 में इसे शिक्षा गारंटी से जोड़ दिया गया, यानी हर बच्चे को शिक्षा मिले इस गारंटी से जोड़ दिया गया। और 2007 तक का इसका थीम क्या था, 2007 तक में कहा गया सभी बच्चों को प्राथमिक स्तर तक शिक्षा मिलनी चाहिए। और सर्व शिक्षा अभियान, जो सर्व शिक्षा अभियान है इसका थीम वाक्य क्या था, इसका थीम वाक्य था सब पढ़ें सब बढ़ें, ठीक है भाई, सब पढ़े सब बढ़े। याद रखिएगा जो हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब पढ़े थे 1986 वाली, उसका थीम वाक्य क्या था, सभी के लिए शिक्षा। और इसी तरह सर्व शिक्षा अभियान का क्या है, सब पढ़े सब बढ़े। 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए ये होता है और इसी के अंतर्गत स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की गई। स्कूल चलो अभियान की शुरुआत यूपी में 2004 में हो गई थी, यूपी में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत 2004 में हो गई थी, लेकिन इसको बड़ा रूप देखने को मिला 1 से 31 जुलाई 2006 में। तो ऐसे याद रखिएगा स्कूल चलो अभियान किसका अंग है, तो आप बोलोगे सर्व शिक्षा अभियान का है। और सर्व शिक्षा अभियान कब था, सन 2000-2001 में, ठीक है भाई। चलिए आगे बात करते हैं एनसीएफ 2005 की, एनसीएफ
2005। तो भैया एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर यशपाल। और ये कौन प्रोफेसर यशपाल हैं? अभी कुछ देर पहले हमने बताया कि 1992-93 में यशपाल समिति आई थी, तो ये वही वाले यशपाल हैं। तो 2005 के अध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर यशपाल जी हैं। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम वही है क्या उनसी, शिक्षा बिना बोझ के, जो अभी आपने वहां यशपाल समिति में पढ़ी वही है। एनसीएफ 2005 लागू किसने किया? एनसीएफ 2005 लागू किया है एनसीईआरटी ने। और याद रखना है ये आधारित किस पे है, ये रचनावाद पे आधारित है, रचनावाद पे आधारित है। ये मानता है कि बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी होती है और हम जो नादान बालक हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने हालांकि कहा था कि बच्चों की रचनात्मकता को हम नादान वयस्क खा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, तो ये वही रचनावाद पे है। और एनसीएफ जो है इसमें शिक्षक की भूमिका क्या है? शिक्षक की भूमिका है प्रशिक्षक की, या फिर शिक्षक की भूमिका क्या है? उत्प्रेरक की। आप लोग जो लोग फर्स्ट ईयर इंटर में साइंस साइड होंगे उन्होंने पढ़ा होगा उत्प्रेरक क्या होते हैं, कैटलिस्ट क्या होते हैं। कैटलिस्ट वो होते हैं जो किसी अभिक्रिया में शामिल नहीं होंगे लेकिन अभिक्रिया की गति को बढ़ा देंगे या घटा देंगे। शिक्षक का काम भी वही है, यानी वो स्वयं बच्चों में शामिल नहीं होगा, यानी बच्चों का हाथ पकड़ के नहीं लिखाएगा, लेकिन वो बच्चों की क्रिया को बढ़ा सकता है या घटा सकता है। अच्छा टीचर होगा तो बढ़ा देगा और खराब टीचर होगा तो वो घटा देगा। तो एनसीएफ 2005 में हमने सारी बातें बताई। नेशनल सी का मतलब यहाँ पे कैरिकुलम है, कैरिकुलम। और कैरिकुलम एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। जो सी है ये लैटिन भाषा, कैरिकुलम एक शब्द है जिसका अर्थ क्या है? दौड़ का मैदान। ठीक है भैया, तो ये हो गया एनसीएफ 2005। चलिए अब आते हैं आरटी, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009-10। सबको मालूम है राइट टू एजुकेशन एक्ट निःशुल्क शिक्षा अधिकार का अधिनियम देता है, जो कहता है, और याद रखना इसको पारित, मतलब ये जो गया था कानून बनने 2009 में गया था, 2009 में, लेकिन ये पारित नहीं हुआ था। पारित हुआ था किस में? 2010 में। इस बात का याद रखिएगा, पारित हुआ है 2010 में, ठीक है ना। और इसमें क्या कहा गया? इसमें भाई कहा गया हम लोगों से कि जो हम लोगों का संविधान संशोधन किया गया और उसमें कहा दिया 21A के अंतर्गत, कह दिया गया 21A के अंतर्गत कि सभी बच्चों को निःशुल्क कह सकते हो और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया इसी आरटीई में। आरटीई में 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों की बात की गई है, 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों की बात की है। हाँ, अगर वो दिव्यांग है तो 6 से 18 साल, ये ध्यान रखिएगा, दिव्यांग फिजिकली हैंडीकैप है तो। हालांकि ये गलत की बात है कि आरटीई 2009 जो है ये जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं हुआ था, और इसमें कहा गया कि प्राथमिक शिक्षा पर जो है प्राथमिक स्तर जो है 1 से 5 तक, यहाँ पे शिक्षक छात्र का अनुपात 1:30 होना चाहिए, अर्थात 30 बच्चों के साथ कम से कम एक टीचर होना चाहिए। और उच्च प्राथमिक स्तर पर आ जाओ तो इन्होंने कहा कि साहब ये अनुपात होना चाहिए क्या, 1:35, यानी प्राथमिक स्तर पर शिक्षक और बच्चों का अनुपात है 1:30 और उच्च प्राथमिक में है 1:35, यानी 35 बच्चों पर एक टीचर, यानी 35 बच्चों को, एवरेज की बात कर रहा है, गिन के 35 और 35.5 नहीं है, एवरेज की बात की गई कि 35 बच्चों के साथ एक हो। तो याद रखना भी आप प्राथमिक स्तर पर 1:35 है और उच्च प्राथमिक में 1:00 क्या भैया 35 है। चलिए ये पॉइंट हमारे हो गए हैं भाई, 28 पॉइंट हो गए हैं, है ना, हाँ 28 हो गए होंगे, हमें ठीक से इसमें दिख नहीं रहा है। चलिए अगला देखते हैं, अगला भैया 29वां है, 29वां आप ऐसे समझ लो निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, ये है भैया 2009 जो अभी बताया हमने आरटीई, तो वही हो गया है ना, ये वही है। तो कहीं कहीं आरटीई कहते हैं, कहीं कहीं इसको निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार की बात कहते हैं। अंतिम जो है वो एक मुझे और याद आ रहा है, वो है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, और ये हाल ही के दिनों में बड़ा चर्चा में था, जो लोग न्यूज़पेपर लगातार पढ़ते होंगे उन्होंने देखा होगा कि कुछ घोटाला निकल के आया, कुछ लड़कियां महिलाएं ऐसे अध्यापक निकल के आईं जो एक ही सर्टिफिकेट से कई कई स्कूलों में पढ़ा रही थी। तो वो जो घोटाला निकला वो कहाँ से निकला था? कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो है उसकी बात हो रही है। ये बालिका विद्यालय है और ये कुछ कुछ नवोदय विद्यालय जैसा है, हालांकि कुछ अंतर है, कुछ एक जैसा भी है। जैसे नवोदय विद्यालय में आवास फ्री था,
भोजन फ्री था, शिक्षा फ्री थी, ऐसे ही यहाँ पे हैं। लेकिन अंतर क्या है? अंतर ये है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, यानी ये केवल लड़कियों के लिए है, और उसमें भी कंडीशन लगी है कि ये केवल 11 से लेकर 14 साल तक की बालिकाओं के लिए है। कागजों में डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड की मार्कशीट के हिसाब से ये केवल और केवल 11 से लेकर 14 साल तक की बालिकाओं के लिए है। ये उन बालिकाओं के लिए है या ये उन जिले या ब्लॉक के लिए है जो शैक्षिक रूप से पिछड़ गए हैं। तो शैक्षिक रूप से पिछड़े जिले या ब्लॉक या गांव के लिए है, यहाँ पर केवल बालिकाएं पढ़ेंगी। तो हम कह सकते हैं कि बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा के लिए है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट, चूंकि ये केवल 11 से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए है, ये आप ऐसे भी कह सकते हो ये केवल और केवल क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 के लिए है, यानी कक्षा 6, 7, 8 केवल इनके लिए है और इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है भैया, तो ये हमने सारी आपको चीज़ें बता दी। हालांकि इससे संबंधित नहीं एक चीज़ है, वो भी मैं याद आ रही, क्योंकि हमें दिख रहा 29 पॉइंट हो गए, तो हम सोच रहे हैं एक पॉइंट और बोल दें, एक पॉइंट और बोल रहे हैं, हालांकि वो इससे संबंधित नहीं है। आप ऐसे समझ लीजिएगा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन NLM उसकी शुरुआत 1988 में हुई थी। ये हमने 30 करने के लिए बोला, वरना इसका इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी बता दें। अब साक्षरता है तो हमारी पढ़ाई संबंधित आ सकता है क्वेश्चन। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है उसकी शुरुआत हुई थी 1988 में, जहां पर लक्ष्य था हर व्यक्ति पढ़ा लिखा हो। पढ़े लिखे की साक्षरता का मतलब अपने देश में ऐसा होता है जो लिख सकता हो, पढ़ सकता हो, कम से कम अपना नाम लिखना, अपना नाम पढ़ना तो सीखता ही हो, उसको बुलाया था राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। और इसी के तहत 2-3 साल बाद 1991 में इस बात की घोषणा हुई कि भारत में केरल सर्वाधिक साक्षर राज्य है। उस समय जब 1991 की बात हुई थी, ये 91% से ज़्यादा साक्षर था। आप जानते हैं केरल भैया तटीय इलाका है, हम भारत के लगभग साउथ है, बिल्कुल जो साउथ वाला जो आपका साउथ वाला सिस्टम है पूरा बिल्कुल दक्षिण में समुद्र के किनारे बसा हुआ है। तो ये वही केरल है ना, जहाँ पे मसालों का बगीचा है, इस तरह की चीज़ें आप लोग पढ़ते होंगे। ठीक, तो साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 में हुई और इसके तहत 3 साल बाद कहा गया कि 1991 में कहा गया कि केरल भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य है, लगभग 91% से ज़्यादा साक्षरता की दर है। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक था भारतीय वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा एवं प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास को मिला के हमने बनाया। थोड़ा वीडियो लंबा बन गया है, ज़्यादा इसमें फैक्ट्स हमने बताए नहीं है, फुल फॉर्म नहीं बताए जैसे, है ना, और भी चीज़ें नहीं बताई हैं। और बताने के लिए देखिए, फिर ऐसा ना कि एक एक संस्था को बताने में 15-15 मिनट लग सकते हैं, तो जितना शॉर्ट में बता सकते थे उतना हमने बता दिया है। वीडियो कैसा लगा ये राय हमें अपनी कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा, और हाँ, लाइक करना मत भूलिएगा। आपका एक एक कमेंट्स ये हम लोगों के लिए बड़ा, जिसे कहते हैं ना, बहुत मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।